नाम जी? रमा। ये जो अभी लेटर लिखी गई है जो पैन एंड फ्लाइट थे उन सबकी ओर से, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना चाहिए थी ये लेटर लिखने, क्योंकि मुझे और किसी चीज पे इतना नहीं है, जो भी है ना, पैसे से भी नहीं है, लेकिन जो बेइंसाफी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। क्या इंडियन का खून वैसा नहीं है जैसा अमेरिकन का? काम तो इंडियन ने किया, फ्लाइट आपकी अमेरिकन फ्लाइट, सब कुछ उन लोगों ने किया, और आप उनको फिर इस तरह से इग्नोर करो, ये तो ठीक नहीं। 128 के कितने लोग जो हुए हैं उनको देखिए, अमेरिका में तो फिर बहुत अमीरी है, इंडियन को तो बल्कि ज्यादा देना चाहिए था, तो उनको उन्होंने, मुझे बहुत दुख हुआ है इस चीज का। आपकी बेटी नीरजा अमेरिकन फ्लाइट पे थी, अमेरिकन कंपनी में काम करती थी, उन्होंने उस दिन क्या किया था और कितनी बड़ी सेवा अमेरिकन्स के लिए की थी? उन्होंने सुबह से 5 बजे शायद ये हाईजैक हुआ प्लेन, शायद कराची से, याद नहीं है अब, इतना बहुत साल हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने जब वो चढ़ी है सीढ़ियां तभी उसकी चोटी पकड़ी है ये, और पकड़ के उन्होंने उसको पिस्तल लगा दिया ऐसे। उस लड़की ने हाईजैक का कोड कोई उनका होता है वो बोला, वो जैसे ही बोला जो फ्लाइट में वो थे कैप्टन वगैरह जो थे, तीनों के तीनों भाग गए। अब उसमें सीनियर वो ही थी, पूरा 450 के पता नहीं कितने लोग थे मुझे अब याद नहीं है, वो सीनियर वही थी, और उन्होंने लड़कों को बिठा दिया, बाकी लोगों को बिठा दिया, सिर्फ नीरजा और एक और लड़की उनको सिर्फ घूमने के लिए मतलब खड़ा कर दिया। तो नीरजा ने सारा दिन अपने इन्हीं टांगों से लोगों को सर्व करना, जो कुछ करना करती रही, और ये जो गोलियां चली हैं ये तो रात को चली हैं, और फिर उन्होंने उस इमरजेंसी डोर, उसने पहले तो पासपोर्ट वगैरह अमेरिकन पासपोर्ट, क्योंकि वो समझ गई कि ये लोग अमेरिकन को पूछ रहे थे वो, तो वो छुपाए कि अमेरिकन कोई है ही नहीं इसमें, और वो सारा दिन उस लड़की ने सेवा की, किसी को पानी दे रही है, किसी को खड़े, वहां के लोग बताते हैं कहते कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे वो देख के। तो सारा दिन तो निकल गया, शाम को लाइट जब हवाई जहाज की कम हो गई तो उन लोगों ने तब उसके बाद गोलियां चलाई और लोगों को सबको ऐसे बिठा दिया था, और सिर्फ एक ये और एक लड़कों को भी नहीं काम करने दिया, कैप्टन वगैरह सुबह ही भाग गए थे, शायद अगर अच्छा हो गया भाग गए थे, नहीं तो वो हवाई जहाज को उड़ा के ले जाते कुछ करते। और रात को फिर गोलियां चली, फिर इसने इमरजेंसी डोर खोलती है, जैसे इमरजेंसी उन्होंने यहाँ गोली मारी पीठ पे, तीन बच्चों को शील्ड करती है वो, देखा उनको मारने लगे तो उसने पीठ पे गोलियां खाई, और जब दरवाजा खोलने लगी इमरजेंसी तब हाँ गोली लगी, फिर उन्होंने उसको पकड़ के गोली मारी, जो इधर से मारी, इधर से होल मारी तो ऐसे निकली होल, उससे उस बेचारी की डेथ हो गई। ओबामा को यही कहना चाहती हूँ कि आपको ये देखना चाहिए, आपको इस तरह की बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए, इंडियंस को भी उनको, क्योंकि सारे तो अमीर नहीं है, हमने तो जो नीरजा का पैसा भी था इंश्योरेंस का, उसका ट्रस्ट बना दिया, हमने एक नया पैसा नहीं लिया, गोलियां उस लड़की ने खाई है, नाम उसका ही होना चाहिए, बल्कि उसने अपनी पे भी खर्च के नहीं देखी, क्योंकि वो बैंक में जमा होती रही, 6 महीने सारा जॉब किया उसने, और उसका जो साथ में मॉडलिंग करती थी, जैसे भगवान ने उसको थोड़ा टाइम दिया था 6 महीने में, उधर मॉडलिंग वहां से आती थी मॉडलिंग, ये तो मॉडलिंग उसके उसको पैसे मिलते थे, सारा जो उसका तनख्वाह का पैसा था जो यहाँ ट्रस्ट में डाला, वो सिर्फ इसमें करने के लिए ही आई थी, दाना तो उनका एक भी नहीं खा के देखा, ना पे का ना कोई। मैं कहती हूँ कि बड़ी वो बहादुर लड़की, ऐसी लड़कियां तो घर घर पैदा होनी चाहिए, कल थी वो शुरू से, जब मैं वो फ्लाइट पे भी गई है, उसने हाईजैक की ट्रेनिंग लेके आई, तो जब उसने मुझे बताया, मैंने कहा छोड़ दे ऐसी जॉब, मैं क्या जरूरत है तुझे करने की, तू मॉडलिंग करती है तुझे जरूरत ही नहीं करने की, तो कहती कैसी माँ है आप जो इस तरह की बातें करती हो, इस तरह की बातें नहीं, आपको तो बहादुर बनाना चाहिए। फिर मैंने कहा अच्छा कल अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तू भाग जाना,
कहती भाग जाऊंगी, मर जाऊंगी, भागूंगी कभी नहीं। जब भी उसने कहा, जब मुझे पता लगा कि प्लेन हाईजैक हो गया, मैंने तो उसकी, क्योंकि मुझे पता था सीनियर वही है, तो मैंने उसकी उम्मीद ही छोड़ी थी कि वो नहीं आने वाली, वो लड़की नहीं भागने वाली, नहीं भागी। सो ऐसी लड़की भगवान ने मुझे दी, चुन के लड़की दी, इसमें कोई उसमें कोई अवगुण नहीं था। दोनों प्रोफेशन उसके ऐसे थे, लेकिन खाना वो जब जाती थी घर से बनवा के लेके जाती थी, क्योंकि ना उसने अंडा खाना, ना उसने प्याज खाना, ना उसे घर से बनवा के ले जाती थी, कभी पुलाव या कुछ उसी से गुजारा करती थी, या सैंडविच वगैरह खा लेती थी। क्या फर्क किया जा रहा है? ये तो आप भी, हर कोई ये जब सुनेगा तो समझ सकता है कि कितना फर्क किया जा रहा है। वो उनको नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया में ऐसा होता, अमेरिका के साथ इंडियन करते, कभी नहीं करते, टॉलरेट ना करते, वो उनसे बर्दाश्त ना होता। उनको हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना तो हम वैसे नहीं है। हमको भी तो रिस्पेक्ट मिले, सोचना चाहिए इनको, खुद ही बिना कहे पहले इंडियन को देना चाहिए था, बाद में अमेरिकन को देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कहां के वो हैं इंसाफ वाले या कुछ, जिनको इतनी समझ नहीं है। मुझे इस बात का दुख है, पैसे की बात नहीं है, दुख इस बात का कि इतनी बेइंसाफी। वो आप जैसे नहीं है, उनमें भी उतना ही खून दौड़ता है, भगवान ने सब एक जैसे बनाए हैं, और आप लोग इतना फर्क करते हो। आप लोगों के साथ कोई करके देखे ऐसे तो आप टॉलरेट करेंगे? कभी नहीं। उन पहले तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने की, क्योंकि हम लोग तो इंडियन तो है ही बड़े भले मानस, वो इस तरह की चीजें सोच ही नहीं सकते। चीज का मुझे दुख है।